फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लो पहले तुम बोल लो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग चीज। तुम वीडियो को अंत तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखते हैं। फ्रेंड वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखने यार स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो लाते हैं और बेचारा एक बहुत ही मेहनत करता है जो बच्चा भी चल गया। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं और कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले हम ले लेंगे पीवीसी सीट जो कि हमने हर एक आइडिया में इसे यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, कट उट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे स्केल से हम नाप लेते हैं। फ्रेंड तो आप पूछोगे तो कितना भी साइज को ले सकते हैं। फ्रेंड हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर नापा है। फ्रेंड तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का हमारा सीट है और इसे हम इस प्रकार से लाइनिंग कर लिए हैं, टेढ़ा हो गया उसे सोझा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कट कर लिया है इस प्रकार से और इसे अलग हम साइड में रख देते हैं। एक इसके बाद हमें गियर मोटर लेना है, उसको में हमको एक के सर्किल पीवीसी का होता है वो लगा देना है और उसके बाद इसे हमें टर्न कर लेना है, इस प्रकार से मोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चारों को अच्छे प्रकार से हमने मोड़ लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो हमने इसको सब मोड़ दिया है और इसको हमें पहले प्लस का हम चिन्ह बना लेंगे ताकि चारों को हम जब सटे तो बराबर पोजीशन में सटे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस का एक चिन्ह बनेंगे, यहाँ सटेगा, यहाँ सटेगा, यहाँ सटेगा, यहाँ सटेगा। और सबसे पहले हम इसे सरेस कर लेते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम सरेस कर लेते हैं। चलिए सरेस करने से यहाँ पर सट जाता है बहुत ही अच्छा से फेविक्यूब। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि हम एक जो मशीन बनाए थे तो बहुत ही अच्छा से अभी तक वर्क कर रहा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही यूनिक चीज़ बनाए थे हम। इसे सरेस करने पर बहुत ही अच्छा सर जाता है। तो चलिए इसे हम साट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसे मोटर को कवर कर लेते हैं स्टैंड वाला। यहाँ पर देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर का इसे कट कर लेते हैं और इसमें एक ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करने के बाद इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने साट देंगे फ्रेंड। तो पहले अभी साटना नहीं, उसके बाद हमें इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। दोनों तरफ से पीवीसी का पाइप हमने इसमें साट दिया है और उसके बाद इस प्रकार से घुसा देना है और उसके बाद हमें इसे फेविक्यूब की मदद से इस प्रकार से साट देना है कि टच ना हो, जो राउंड के हमने बनाया है ना वो टच ना हो फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने इसमें साट दिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया। बहुत ही यूनिक चीज़ बनेगा फ्रेंड। तो यार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, इसी तरह के आइडिया आते रहते हैं। ये स्पेशली लेडीज़ के लिए होने वाला है फ्रेंड। तो ये आइडिया आप बनाकर घर में दीदी मम्मी ये सब जितना भी होते हैं वो लोग को देख सकते हैं, बहुत ही खुश हो जाएंगे फ्रेंड। तो बहुत ही अमेजिंग है आइडिया फ्रेंड, देखना वीडियो को अंत में, मज़ा आएगा। तो इसमें चलिए हम चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम फेविक्यूब की मदद से चारों को हम चिपका दिए हैं और ऊपर हमने स्टैंड का बना दिया है। चलिए यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमने लुक दिया फ्रेंड, तैयार गजब। तो चलिए कैसा वर्क करता है वो भी हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तार को जोड़ दिया। आप हो सके तो कोड लगा सकते हो और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया था, देखिए इसे ऑन करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से रोटेटिंग होगा। तो चलिए ये क्या काम करता है फ्रेंड वो चेक करके आप दिखाते हैं और कैसा काम करता है वो सब आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो तो बने रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने कुछ पानी लिए हैं और इसमें जो आपको भी खाने बनाने के लिए होता है पकवानी सब, तो आपको घोल बनाना पड़ता है पहले, उसी को घोल बनाएगा ये मशीन है ना, अच्छे प्रकार से दम गूंथ देगा है ना। तो चलिए इसमें हम पानी में आटा डालते हैं फ्रेंड और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो पानी में आटा डाल दिया, आप हो सके तो किसी भी चीज़ डाल सकते हैं मिलाने के लिए है ना, ये मिलाने वाला मशीन बना है फ्रेंड। कोई भी ऐसा कुछ खाना वगैरह बनाते हो ना तो पानी में इस तरह के घोल बनाने के लिए होता है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। हाथ से करते करते फ्रेंड दुख जाता है ना, तो सोचा हमने कि चलिए एक कुछ ऐसा मशीन में जाए। ऐसे मशीन तो बना हुआ है मार्केट में मिलता है बट बहुत ही महंगा मिलता है, कॉस्टली। तो हमने सोचा कि चलिए इसे घर पर बनाया जाए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा मशीन है वह कैसा काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दीप जला लेंगे हम, तो आप देखिएगा कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। काम करेगा तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए तो देखिए वाह कितना अच्छा से रोटेट कर रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर दम घोर रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा से घोर दिया फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमने सब चारों तरफ निकाला है ना ये चलता है ना, तो पूरा दम घूम रहा है देखिए,
ये देखिए, अगर 10 मिनट अच्छा से वर्क करेगा ना, इस प्रकार से घूमेगा ना, तो एकदम अच्छा से एकदम गूथ देगा। देखिए कितना अच्छा से घूम रहा है। तो शायद तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सही से थोड़ा मशीन हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर स्विच में लगा है ऑन ऑफ का, यहाँ बंद कर लेते हैं और देख सकते हैं फिर वह कितना अच्छा से फिर ये देखिए मिला दिया है। ये देखिए है ना, बहुत ही अच्छा से, कितना भी गबरा हो इतना देखिए इतना साइज का हमने बनाया है। आप अंदर भी डाल के, तो हमारा साइज अभी छोटा है तो इसीलिए इतने ही टच हो रहा है। फिर देख सकते हो कितना अच्छा से वर्क कर रहा है, ये एकदम पूरा मिला देगा फिर है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आइडिया अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ। बाय।